माँ बाप के लिए आप हीरो जो ही बच्चे हैं वो माँ बाप के लिए किसी के कम भी आए तो भी कोई बात नहीं, ये खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू। नादी बहुत खुश है भाई, क्योंकि मुझे पसंद है। तू रोज पागल लगे, तू ज्यादा पागल लगेगी। हमारे पास भी है, ऊंचा बोलो ऊंचा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है बेदी फैमिली ब्लॉग्स। सो गाइज, मैं आज ना ब्लॉग बहुत दिन बाद बना रही हूँ और स्टार्ट कर रही हूँ मेट्रो स्टेशन से। यस, यू हर्ड इट राइट, मैं एक्चुअली गई थी सीसन गुरुद्वारा साहिब दर्शन करने के लिए। सो अभी रास्ते में मुझे पता लगा कि 12th का आज जो है रिजल्ट आ गया है और आज गुरलीन का भी आ रहा है। फाइनली आज गुरलीन का भी आ रहा है। सो आई एम टू एक्साइटेड एंड नर्वस, सो बने रहना इस ब्लॉग में। गाइज, मैं ना ई रिक्शा करके आ गई हूँ रानीबाग। आप देख सकते हो आज मंडे एक्चुअली और आज जो है मार्केट क्लोज रहता है, देख सकते हो आप। सो यस, ऐसा कुछ है मार्केट का नज़ारा। तो चलिए चलते हैं फटाफट, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ रिजल्ट के लिए गुलीन के। कमल तो आ गई दादी पास नाश्ता करने और गुरलीन को टेंशन है, वो आई नहीं। वो कह रही है मैं तो बाद में जाऊंगी, पहले रिजल्ट देखूंगी। दादी बोलो, दादी क्या बोल रही थी? मैं ये कह रही हूँ इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और मुझे मुंह चटवाएगी, बड़ी अच्छी सब्जी अगला चलेगी। अच्छा, दादी को तो पहले पता अच्छा आएगा। तो गाइस, मैं आ गई हूँ गली में। ये देखो, अचानक से मम्मी घर गए थे कॉल को लेके। हाँ जी भाई, रिजल्ट आ गया जी। नहीं, रिजल्ट आ गया, मैंने सरप्राइज रखा भी सबके लिए। मुझे पता लगा रास्ते में रिजल्ट आ गया, लेकिन क्या है अभी सबको ऊपर जाके बताते हैं। ठीक है जी, चलो गेट बंद करते हैं पहले। सो गाइस, अभी आपको रिजल्ट बताते हैं। आई एम टू एक्साइटेड। अच्छा, ले लिया आपने गुलीन के लिए सामान? लिया कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत लिया है, मैं थोड़ा सेटलमेंट तो करेंगे। हाँ चलो। सो गाइस, मैं ना देखो अभी आई हूँ। हाँ जी भाई, गुलीन गई हुई है एक्चुअली, अभी वॉशरूम में गई हुई है। सो ये देखो, ये सामान लेके आए हैं इसके लिए। हाँ जी भाई, ये तो बताओ, दीदी का रिजल्ट आ गया, अभी सबको बताते, मैंने बताया नहीं किसी को अभी तक। अभी सबके लिए सस्पेंस रखा है कि उसका कितने परसेंटेज आया, क्या है। ये देखो, मैं आई हूँ गाइस गुरुद्वारे से। ये गुरलीन ने सब्जी बना के रखी हुई है, आलू गोभी, वाओ टेस्टी टेस्टी। क्या क्या लगी दीदी के लिए? हाँ, इसको ग्लेज पसंद है ना। रिजल्ट के हिसाब से मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मान लो किसी रिजल्ट जो भी आता है, जो पास होता है, कुछ भाई भगवान करे किसी को ऐसा ना करे, कोई ग्रह भी आता है, फेल हो जाता है, तो कोई ऐसी मिसअप नहीं ना करे, क्योंकि बच्चे से बड़ा कोई नहीं होता। माँ बाप को कोई ऐसा कोई गलत काम ना करे, कोई भी बच्चा, जैसे की सुनने को मिलता है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई भी मिसअप ना हो, ना कोई करे, क्योंकि आप अपने माँ बाप के लिए आप हीरा हो। जो ही बच्चे हैं वो माँ बाप के लिए, किसी के कम भी आए हैं तो भी कोई बात नहीं। हाँ, किसी के साथ है तो भी कोई बात नहीं। बिल्कुल, ये तो सिर्फ क्लास है। और एक याद रख, एक मेरी बात याद रख लेना, जितने भी फेलियर है ना, वो बड़े बड़े आज के बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बड़े जो भी है। पढ़ाई कुछ नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। लेकिन आप इसको जो है नेगेटिव मत लें रिजल्ट को। ये देखो, ये माता लेके खड़ी हुई है। हाँ जी भाई, दीदी के लिए। तो चलो फटाफट गुलीन कहाँ पे? हाँ बोलो बोलो, जो रह गए हैं अभी पार्टी में नहीं आओ, हमारे ब्लॉग में देख के पी ले। तो ये बताइया शुरू हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन शुरू हो गई। मेरी जो विश करना उसको जो करने आया ना, कहते कांग्रेस करने आया, वो बच्चा खुद फोन पे लगा उसको, और भी फोन आया उसको, वो कह रही मुझे मतलब
और कितनी बार तो फोन आ गया बोलूंगी जहाँ जहाँ दिक्कत आई ना कभी मैथ्स में तो इन्होंने पढ़ाया भी है गुरु ऑल्सो ये गुरु भी है तो इनकी सब कुछ ये भी टीचर है इनका बता दो किसे पढ़ना मैं तो डीएवी स्कूल में टीचर हूँ मेरा बच्चों का ऑलमोस्ट 12th का बहुत अच्छा रिजल्ट आया नहीं अरे पार्टी लेंगे अब आइए गुलीन मिलने गुलीन अभी तो जब भी पा रही थी ना गुरलीन अभी तू भाभी को जफ़ी पा रही थी ना मेरे को ऐसा लग रहा था अभी वो छोरिया किसी से कम आगे कभी पटकी ना मार दे जफ़ी पा के लेकिन गुरलीन ने ना गुरलीन ने पटकी मार दी रिजल्ट में पटकी मार दी भाई पटकी तो मार दी रिजल्ट में कांग्रेस में आए थे खुशी के आंसू आ गए इनके ये रो रही है यार मैं मौन नहीं करूं खुशी के आंसू इनके ये खुशी के आंसू रियली खुशी के आंसू क्योंकि टीचर है ना ये जो टीचर होती है ना उनको उनको ज्यादा कदर होती है पढ़ाई की जो मतलब पढ़ाता है जो पढ़ता है ऐसे ही है ना उसको मार्क्स की पता होती है स्कॉलरशिप लेकर आना बस पानी तो पी लो मैं पीऊं बस आराम से पानी भी देंगे और पार्टी भी देंगे हेलो वीडियो कॉल दिखा दुआ को मेरे बात का हाँ भाई सोमवार आ जाए कार आ जाओ दीदी आ जाओ आ जाओ यार सारे बुआ को मिस करिए सो गाइस मैं आ गई हूँ रेडी होके और फाइनली दिस इज लाइक माय फर्स्ट क्लिप आफ्टर रिजल्ट रिजल्ट आने के बाद ये रेडी नहीं हुई थी ना इसलिए एंड गाइस मेरा रिजल्ट ठीक आया मतलब मेरे को तो सही लगा और मैंने जितनी मेहनत की थी जितने मनी में थी उस हिसाब से मेरा सही आ गया एंड मैं तो खुश हूँ और अभी बहुत प्राउड है प्राउड ऑफ यू हमें बड़ी खुशी हुई 95% आए तो गाइस आप भी प्लीज कमेंट करना और इसे कॉन्ग्रेट्स करना सो अपनी ब्लेसिंग देना एंड गाइस आज जैसे रिजल्ट आया है तो मैं थोड़ा सोचता कि आप थोड़ा रेडी हो जाओ शायद कहीं अगर बाहर जाएंगे तो आपको पता चलता रहेगा चाहे ना चाहे अभी तो अपने सब मिल के आएगी मिठाई देगी अभी हम पड़ोसियों को भी खिलाएगी मिठाई अभी मिठाई का लब्बा लेके आएंगे तू यार इतना खुश हो रही है हम तो 33% खुश हो रहे जो बॉर्डर लाइन होता है उसको हाँ, ऐसे हम हाँ, तो मैं ऐसी मेहनत करते रहना गलत बात ठीक है मैंने तो कंग्रेचुलेशन गाइस और चीज जिन जिन बच्चों का रिजल्ट आया उन सब बच्चों को भी हमारी तरफ से बेदी फैमिली ब्लॉग्स की तरफ से बहुत सारा कांग्रेचुलेशन हाँ और अगर आप चाहो तो आप अपना रिजल्ट हमें कमेंट्स में बता सकते हो एंड वी टॉक अबाउट इट वी डिस्कस अबाउट इट एंड एक और चीज मुझे बताओ कि आज मैं कैसे कर रही हूं बिकॉज़ मैंने थोड़ी सी अलग लुक करी यार तू रोज पागल होती है ज्यादा पागल लगेगी बस यार आज रिजल्ट आया सबको आज ही नहीं जान तो मैं थी आपकी समझ तो, मतलब बच्चा है सबसे सोना बच्चा तू ही है ना चलो गाइस बच्चा किसका है मेरी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ रहा है मैं जा रही कुछ कर ली पहल गया कुछ और कर लिया तेरे को नहीं बनाना तेरे को इसका कल नाम कटवाना स्कूल से प्रायोरिटी आप ही हो ही नहीं बात करते हैं मम्मा आप क्या बना रहे हो मैं बना रही हूँ ठंडी ठंडी लस्सी क्योंकि गर्मी इतनी है ना हाँ। कह रहे लस्सी बना दे आलू गोभी गुली ने बना के रखे थे रोटी मैंने बना दी और बस अब थोड़ी देर बाद मिठाई लेने जाएंगे सबको मिठाई देंगे दादी को भी सबको मुंह मीठा कराएंगे ना सबका हाँ। ये देखो जी बूंदी पा देंगे आ जाओ गाइस आप भी आ जाओ हमारे जो यूट्यूब फैमिली है आप भी आ जाओ और ठंडी लस्सी पी लो तो गाइस हमें ना प्लीज कमेंट किया करो हमें मोटिवेट किया करो कि हम और ब्लॉग्स बनाएं आई नो हम ब्लॉग्स बहुत कम बना रहे हैं बिकॉज ऑफ थोड़ा सा कवल जो शूट कर रही है अभी आपको पता है उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है सो प्लीज क्लिप प्रे करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए ठीक है और बस हम ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेके आते रहे अगर किसी को हमारा डेली रूटीन देखना है या ट्रैवल ब्लॉगिंग देखनी है जो कि हमारी अपकमिंग ब्लॉग में ट्रैवल ब्लॉगिंग आने वाली है सो बने रहना हमारे ब्लॉग में ठीक है तेरे पापा को सर्व करते आ जा ठंडी लस्सी तो बढ़िया आ गया
लस्सी ये तो फिर आनंद आ जाएगा और लस्सी नींद भी आ जाएगी ना मुझे। ये अच्छा सोमवार है दुकान पे यहाँ पे आराम से सजेगा लस्सी। आज मंडे का दिन है ना छुट्टी का दिन है सारे कपड़े धोए रात को 3 घंटे लग के अभी कपड़े भी समेटने वाले हो रहे इतना सारा काम पड़ा आज मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं गए चांस की बात है छुट्टी हो गई बच्चों की आज जबकि मेरे मार्क्स मिलने थे आज। गाइस मैं लेने आई हुई अभी मिठाई आप देख सकते हो कितना पसीना हो रहा है अब जाते हैं मीठा कराते हैं। मैंने ले ली है मिक्स। सो हे गाइस ये लोग सबसे ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड और भी जो आपके अचीवमेंट्स हो जो भी आपको बहुत फ्यूचर है आप जो चाहते हो आपकी डिजायर मैंने वैसे 2-3 बार खा लिया क्योंकि बच्चे आए ना स्कूल में सारे चले गए देखो वो भी जा रहे हैं कहीं चले तेरा कोई योगदान है उसके नंबरों में
देखो जी मैं आ गई हूँ मम्मी के पास, आ गए हम ये मुँह मीठा। हमने कहा चलो मम्मी का मुँह मीठा कराए, करा दे भाई दादी का मुँह मीठा करा दे पहले। मैं जस्ट अभी उसका भी रिजल्ट आया था, टीका लगाओ। चलो दादी बहुत खुश है भाई। पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले थोड़ा दादी की ब्लेसिंग ले लो, जफी पालो भाई। तो पहले पा चुकी है जफी, पहले पा चुकी है। कमल कहाँ है? कमल ट्यूशन? अच्छा दादी की ब्लेसिंग है ये तो है भाई। चलो गुड, मैंने वर्कआउट क्लास भी सबका मुंह मीठा कराया। हाँ दादी कैसे करती है? चलो अब हमारा कवल आई, कवल आई, अब चल कोई नहीं। विकास सर को मिल के आयो जिन्होंने आपको साइंस और मैथ्स पढ़ाया टेंथ में, क्या कहते हो? कहते हैं कि इस बार ना मैथ साइंस में चेकिंग एक तो कम दिन भी कम थे, दूसरी बार पेपर तो ठीक था बट उनके हिसाब से तो अच्छा ही था, हमारे हिसाब से थोड़ा मैथ्स का डिफिकल्ट था। बट वो कहते हैं मीना चेकिंग मैथ्स और साइंस की थोड़ी डिफिकल्ट हुई है इस बारी, अच्छे से मतलब नंबर नहीं दिए, और लीनियंट की उसमें हुई है इंग्लिश और हिस्ट्री में, तो उसमें मार्क्स सही से मिल रहे लोगों को, तो ठीक है। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेरे भी 90 प्लस ही आए हैं साइंस में, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है हम हैप्पी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर ने अच्छा पढ़ाया, बढ़िया है, गुड है। ओ वाओ, ओ वाओ, वाहेगुरु, बहुत सुंदर है यार बाबा जी का स्थान। तो मुझे तो आंखें लग रही टचवुड, वाहेगुरु बहुत सुना यार, बहुत सुंदर, मतलब मैं कहती हूँ मेरे बाबा जी का स्थान सबसे अच्छा होना घर के अंदर, बहुत बहुत अच्छा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं कोई नहीं, इसने कर लिया। अरे नहीं नहीं नहीं, आप बस आप आशीर्वाद दो, ब्लेसिंग दो, आप बड़े हो ना ना, बच्चा का रिजल्ट इतना अच्छा है ना, मैं बहुत खुश कर दिया। मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए और हमेशा रहेगा। मैं कह रही हूँ मेरे को कार्तिक से उम्मीद नहीं, मेरे तुमसे उम्मीद है। नहीं नहीं कार्तिक तो बहुत प्यारा बच्चा है, कहाँ गया? आजा 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 आजा। अच्छा आप कार्तिक आई थिंक सेवंथ में गया ना, शर्ट देख खंडा सा बना हुआ है, क्या बात है, अमृतसर से लाए? हाँ, इसके पापा लाए थे गुरुद्वारे। अच्छा हमारी तो किंग क्वीन भी थी इसकी, ये वाली थी। मैं तो बाबा जी का स्थान इतना सुंदर लगा है ना, मतलब आई थिंक आपने अभी चेंज किया है। नहीं 2 साल हो गए, जब बुली नहीं थी तब। अच्छा मैं लाइट अभी देखी, कर लो कर लो आप बात कर लो। अच्छा सामने वाले सभी का है, ठीक है ठीक है ठीक है। चाय पीते इकट्ठे खाना खाते हैं, आपने हमें यहीं पे दे दिया, हम घर ना आए दादी को खाना। एक सेकंड, जो ये मेरा ब्लॉग देख रहे हैं मेरे वर्कआउट वाली फ्रेंड सबको पता है कि वो साथ में होंगे, डिनर भी करते हैं, लेकिन देख लो हमें करने भी नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आज करो आज नहीं, हम आपके घर आके करते। मैंने रोहित से कहा था, रोहित कहते रात को चलेंगे, मैं आ जाऊंगा ना फिर भैया भी होंगे, मैं कहा भैया घर पे प्रोग्राम बनाते हैं जल्दी से, सच्ची में मैं कह रहा था पक्का आ रही है पक्का। और वहां पे मैंने वो गुलिया लेके गई थी वर्कआउट क्लास में, सबको पता है सब ना वहां पे, नहीं तुम खाओ तुम्हारा वजन बढ़ाना है, 1 किलो तुम्हारा बढ़ाना है, जबरदस्ती सब खिलाई जाए। भाई वो सस्पेंस है, मैंने कितने किलो कम किए वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता सकते हम, बहुत किलो बात हुए बस 20 प्लस किया, लेकिन कितना किया वो बताएंगे। 20 में 7 और ऐड करना तो तुम भी घी शक्कर से हुआ नहीं है इतना, नहीं लगता है, लगता है। चलो यार आप इतना सोच रहे हो वही बहुत है, कोई नहीं कोई नहीं, आपने इतना सोचा वही बहुत है। अरे मैं बोल रही हूँ, मैं इससे बेस्ट मेरे को इससे उम्मीद।
अचीव पता क्या, छोटे होते से देखा ना आपने, हो जाता है कि हाँ यार हमारा अपना बच्चा है। हम आए थे और आप लोग आए थे, हम एक साथ ही आए हैं। और ये तो मेरे सामने पैदा हुए हैं। हाँ, 12 साल का हो गया ये भी। हाँ, कह तो रही हूँ। जब कवल एक साल की थी होने वाला था, ये मेरे टर्बी हुए मत्था टेकते हुए मेट्रो से। सो मैं अब जा रही हूँ मम्मा के घर। गुलीन आज अपने आप चली गई है घर से, नानी घर। तो वो पहले ही पहुँच चुकी है नानी घर, हम जाके मिलते हैं मम्मा। एक्चुअली वो अभी तक ना अपनी नानी से मिली नहीं थी, तो नानी ने बोला एक बार उसको मेरे से मिलवा दे। मम्मा की तबीयत ठीक ही थी तो मम्मा आ नहीं पाए, तो मैंने कहा ठीक है मैं गुलीन को भेज देती हूँ, आप उससे मिल लेना, क्योंकि रिजल्ट आया जब से उसका तो एक बार भी उसकी नानी उससे मिल नहीं पाई थी। सो यस, मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे, लंच करते हैं, मिलवाती हूँ आपको मम्मी से और गुलीन से। स्टे ट्यून्ड। क्या करूँ, स्कूल जाना पड़ा, स्कूल जाना। क्या कह रहे हो आप, इस उम्र में स्कूल जाना पड़ा? या बोले रीयूनियन करनी है आपके, मामा जी को पढ़ाई करनी है, आपकी पढ़ाई दोबारा हुई नहीं, दोबारा पढ़ाई करो। अच्छा, क्यों? मैं बताती हूँ, ये एक मूवी तो चार बार देखते हैं, पता है क्यों? क्यों? पहली बार में समझ नहीं आती ना, इसलिए पेशेंट को दोबारा स्कूल भेजा जा रहा है। सच्ची में मिलने आए हो? मामा मामी भी मिल गए नानी के साथ साथ। चलो भाई, मिलने के लिए मुबारक हो भाई। थैंक यू, प्राउड टू से दिस, मतलब मेरी भांजी मेरी बच्ची जियो। उतना पढ़ूंगी मैं। आप क्या कहना चाहते हो? थैंक यू, अरे बस बस, मजा मामा जी ट्यूशन दे दे। किस बात की? आजकल अच्छा, किस सब्जेक्ट की चाहिए ट्यूशन? सारे की सारी। आप अच्छा इंसान कैसे बनाऊं? मैं नहीं ये मांगा, मैं क्या, मेरी शॉट है ना, कोई भी क्लाइंट आ रहा है ना, मैं ना ऐसे सीना चौड़ा करके बोल रही हूँ, मेरी कुल्ली 95% है। मेरे बच्चे ने 95% रहने वाली है। मैं कहा हेलो, हमारे पास भी है 95 वाला बच्चा, हमारे पास टॉपर है भाई, टॉपर। पर इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी, मना ये गलत बात है वैसे। Everyone. So guys, जैसे कि आपने देखा इसके मामा मामी भी आए थे और सब मिल गए इसको, इसको पैसे भी दे दिए, नानी ने भी इसको पैसे दे दिए। ठीक है, ठीक है, मम्मी को जाना है गुरुद्वारे, हम भी चलते हैं और इस ब्लॉग का एंड हम यही करते हैं। मुझे 3 दिन लग गए इस ब्लॉग में, आई नो मैं थोड़ा लेट अपलोड करूँ, 13 को रिजल्ट आया, 16 तारीख और आज मैं अपलोड कर दूंगी ये ब्लॉग, बिकॉज ऑफ किसकी नानी थोड़ा बीमार थे, हमने हमसे स्पेशल मिलने आए क्योंकि मम्मी आ नहीं पा रहे थे। तो यस, करते हैं इस ब्लॉग का एंड, करते सबको बाय और कमेंट सेक्शन में इसको आप कॉन्ग्रेट्स कर सकते हो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर आप चाहते हो अच्छे अच्छे ऐसे नए नए ब्लॉग्स बनाते रहे, हमारा डेली रूटीन आप देखना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट बिलो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।